हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हो गाइस तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप सैमसंग के M01 कोर फ़ोन में रैम एंड स्टोरेज को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। कहने का मतलब है कि आप जितना भी चीज़ यूज़ करते हो, आपका फ़ोन स्टोरेज को ठेक लेता है, भरने लगता है गाइस। तो अब मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन को ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट एंड रैम एंड स्टोरेज को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसमें रैम एक फिक्स्ड आता है, एक इसका रैम दो टाइप का आता है, एक 3/32 का एंड एक 2/16 का। तो गाइस, सबसे पहले आपको फ़ोन की सेटिंग में चल जाना है एंड फ़ोन की सेटिंग में आपको यहाँ पर ऐप एंड नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस, ऑल ऐप्स के अंदर आ जाने के बाद आपके फ़ोन में जितना भी ऐप होगा गाइस, सब आपको शो होने लगेगा। चाहे उसे आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया हो, चाहे कहीं से भी डाउनलोड किया हो गाइस, सारा ऐप आपको शो होने लगेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको वो ऐप सेलेक्ट करना है जिसको आप हमेशा इस्तेमाल करते हो एंड गाइस बहुत ज़्यादा आपका यूज होता है, डेली यूज होता है, तो मैं वैसे ऐप को सेलेक्ट कर लेना है आपको। तो गाइस, मैं जा रहा हूँ, मैं सबसे ज़्यादा यूट्यूब को इस्तेमाल करता हूँ, तो गाइस मैं यूट्यूब को ही जा रहा हूँ सबसे पहले सेलेक्ट करने के लिए। तो जैसा कि देख सकते हैं कि यूट्यूब यहाँ पर है एंड YouTube 124 RAM चेक करके रखा हुआ है एंड 327 MB इसका टोटल स्टोरेज हो गया है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है गाइस, क्लियर डाटा अनइंस्टॉल अपडेट। तो आपको गाइस इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लियर डाटा, क्लियर कैच के ऊपर क्लिक करना है। क्लियर कैच को क्लिक कर देने के बाद गाइस, जो यानी कि कैच जो होता है फ़ोन का, कचरा जो होता है जिसका कोई यूज नहीं होता, अननेसेसरी फाइल जिसको आप बोल सकते हो, वो डिलीट हो जाता है। उसके बाद आपको क्लियर ऑल डाटा इसके ऊपर क्लिक करके आपको डाटा भी क्लियर कर देना है, क्योंकि इससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा डाटा क्लियर करने से। तो गाइस देख सकते हो 300+ MB का था, अभी 268 MB का यूट्यूब हो चुका है एंड रैम 124 से अब इसका रैम भी घट जाएगा। इसी तरीके से गाइस, आपको जितना भी था तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे 124 MB रैम को ये ऑक्यूपाइड करके रखे हुआ था, तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो इसी तरह से गाइज, आपको वैसे ऐप्स को सेलेक्ट करना है जिसको आप हमेशा इस्तेमाल करते हो, रोज़ इस्तेमाल करते हो। तो गाइज, जैसे कि देख सकते हैं अमेज़ॉन एक ऐप है, तो गाइज देख सकते हो कि अभी अमेज़ॉन 158 MB का है और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करके क्लियर ऑल डाटा करता हूँ तो देख सकते हो कि ये 146 MB का हो जाता है। गाइज, होता क्या, आप जितना ऐप को यूज़ करते हो वो डाटा बनता रहता है और उस फाइल्स का साइज बढ़ता रहता है, जिससे फ़ोन भी बढ़ता रहता है। तो गाइस, सारा का करने के बाद इसी तरह से गाइस सारा आपको कर लेना है। तो उसके बाद गाइस आपको बैक आना है और यहाँ पे स्मार्ट मैनेजर के अंदर जाना है, नीचे आकर और यहाँ पे आप फ़ोन को ऑप्टिमाइज़ कर देना है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्टिमाइज़ के ऊपर क्लिक करके जितना भी आपका रैम जो होगा, रैम ऑक्यूपाइड होगा, सब फ़ोन का रैम खाली होने लगेगा। देख सकते हो 175 MB रैम क्लियर हो चुका है 2 GB में से। तो ये फ़ोन मेरा 2/32 का है। उसके बाद गाइस, आपका जो फ़ोन है उसका काफ़ी जगह बचेगा और गाइस यही ट्रिक आपको अपनाना है एंड गाइस वीडियो कैसे लगा आपको बताना है एंड गाइस जो भी चैनल पे नए हो गए प्लीज़ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेना। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।